तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसका नाम है लैग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रोल्स थ्योरम को काफी अच्छी तरीके से डिस्कस किया और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया। तो आई होप वो वीडियो आपको पसंद आया होगा। बेसिकली ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग लैग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में है। ओके, तो मैं बात करने वाला हूँ लैग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम बेसिकली दो थ्योरम को, यानी दो कंसेप्ट को देता है, जिसमें पहला कंसेप्ट आपका ये है फर्स्ट फॉर्म, जिसमें आपका कह रहा है कि कोई भी आपका फंक्शन दिया रहेगा, यानी इफ f of x is a continuous in the closed interval a कमा b, यानी जब आपका कोई भी फंक्शन दिया रहेगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा किसमें, क्लोज इंटरवल a कमा b में। क्लियर। उसके बाद मैं बात करूँ सेकंड की, उसमें कह रहा है सेकंड में कि f dash x exists in the open interval a कमा b, यानी जो आपका डेरिवेटिव होगा उस फंक्शन का, जो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वो आपका एग्जिस्ट करेगा किसमें, ओपन इंटरवल a कमा b में, यानी जो इंटरवल आपका दिया रहेगा। Then there is at least one value of x in a comma b such that उस कंडीशन में हम जो c के वैल्यू को फाइंड आउट करते थे रोल्स थ्योरम में, इसमें हम क्या करेंगे, f dash c के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जिसमें f of b minus f of a divided by b minus a हो जाएगा। यानी जो जहां जहां आपका x रहेगा वहां वहां एक बार आपको क्या करना है, b पुट करना है, एक बार a पुट करना है, और माइनस करके, और जो इंटरवल दिए रहेंगे उसमें से आपको माइनस करके c के वैल्यू को क्या कर सकते हैं, आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो गया। अगर मैं बात करूं सेकंड फॉर्म की, तो आइए देखते हैं सेकंड फॉर्म क्या कह रहा है। तो फ्रेंड, हमारा ये सेकंड थ्योरम है जो कि आपके लैग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम का थ्योरम है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड फॉर्म के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म को देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था और बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली। तो आपका सेकेंड फॉर्म कह रहा है कि इफ वी राइट b इज इक्वल टू ए प्लस एच, यानी अगर हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू ए प्लस एच लिखते हैं, तो उस कंडीशन में सिंस आपका a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, c का वैल्यू a और b के बीच में ही रहेगा। आप अगर c के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो, एंड c इज इक्वल टू ए प्लस थीटा एच, जहाँ पे आपका थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में सेटिस्फाई करेगा। दस द मीन वैल्यू थ्योरम में बी स्टार्टेड एज फॉलो, जिसमें नंबर वन कंडीशन कह रहा है कि जो आपका गिवन फंक्शन दिया रहेगा, डैट मीन्स f ऑफ x कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल a कॉमा a प्लस एच, यानी जो आपका इंटरवल रहेगा वो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा किसमें, a और a प्लस एच के बीच में। एंड सेकेंड इसमें थ्योरम ये है कि f डैश x, डैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एग्जिस्ट इन द ओपन इंटरवल a कॉमा a प्लस एच, देन देयर इज एट लीस्ट वन नंबर, डैट मीन्स थीटा, जिसका थीटा का वैल्यू क्या होगा, लाई करेगा बिटवीन किसमें, 0 और 1 के बीच में, सच डैट इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला जो रिप्रेजेंटेट होके आएगा वो आएगा f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डैश a इंटू ए प्लस थीटा एच। तो बेसिकली ये दोनों थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है लैग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम के, ये क्वेश्चंस हैं। और बेसिकली आइए हम लोग इन क्वेश्चंस को, इन थ्योरम को एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड, बेसिकली ये आपका एग्जांपल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द मीन वैल्यू थ्योरम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू एफ डैश सी, एंड साथ ही साथ हमें इसे क्या करना है, डिटरमाइन सी लाइंग बिटवीन ए एंड बी, यानी सी को डिटरमाइन करना है जो आपका किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, आपका ए और बी के बीच में है वो सी। एंड इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, और ए का वैल्यू आपका जीरो दिया हुआ है, बी का वैल्यू वन बाई टू दिया हुआ है। तो बेसिकली एज ए मैथमेटिक्स के कंसेप्ट की मैं बात करूं, तो सबसे पहले जो गिवन दिया रहता है उसे हम लोग लिखते हैं। तो यहां पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया, तो उससे आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप पहले एफ ऑफ एक्स लिख दीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स को यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी टर्म आपका एक्स का फंक्शन है उसके थ्रू, और उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कीजिएगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या होता है, हमें एफ ऑफ ए चेक करना होता है, यानी जहां जहां एक्स आपका दिया हुआ है वहां पे आपको क्या करना है, एफ ऑफ ए यानी जीरो, वहां पे जीरो पुट करके देखना है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। एफ ऑफ बी की बात करूं तो एफ ऑफ बी का वैल्यू कितना है, वन बाई टू, तो जहां जहां एक्स है वहां पे वन बाई टू पुट करेंगे तो आपका थ्री बाई एट आएगा। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो फाइंड आउट होगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू, और यहाँ पे जहां जहां एक्स है वहां पे आपको क्या करना होगा, सी पुट करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एफ डैश सी इज इक्वल टू कहा क्या होगा आपका, थ्री सी स्क्वायर माइनस सिक्स सी प्लस टू। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन वन, यानी जो आपका ये फंक्शन बनेगा उसमें आप इसको पुट करेंगे
जो आपका फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में आप उसको पुट करेंगे तो आपका 3/8 माइनस जीरो आएगा, क्योंकि बी माइनस ए होता है इज इक्वल टू 1/2 माइनस जीरो इंटू आपका ये वैल्यू, ओके, यानी एफ डैश सी का वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, क्लियर। तो ये आपका बेसिकली फॉर्मूला पे सेट हुआ है। फॉर्मूला को जैसे ही आप सेट करेंगे तो सी के वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। द्विघात समीकरण यानी जो आपका पावर दो आपका है यानी बाइनोमियल जो पॉलिनोमियल होता है उसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व करेंगे तो सी के दो वैल्यूज निकलेंगे। एक आएगा 1 प्लस माइनस 0.764, तो एक बार 1 को ऐड कर देंगे एक बार 1 को माइनस कर देंगे तो दो वैल्यू आएगा और वो आपका क्या होगा, वैसा वैल्यू होगा जो इन दोनों वैल्यू के बीच में होगा। तो इन दोनों वैल्यू के बीच में कौन सा वैल्यू है, ये वाला वैल्यू तो आपका ज्यादा होता रहा है तो इसे हम लोग को नेगलेक्ट कर देना है, यानी 1.764 को नेगलेक्ट कर देना है और आपका जो वैल्यू होगा वो आपका 0.236 आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।